दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके राजनीतिक करियर में एक ऐसा दिन भी आएगा जब उनकी रैली में, उनके पब्लिक रैली में इक्का दुक्का लोग भी मुश्किल से बैठे दिखाई देंगे और हालत ये हो जाएगी कि उन लोगों को रोकने के लिए बाउंसर्स, जी हाँ, बाउंसर्स का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। दोस्तों, ये हैरान करने वाला मामला आया है पुडुचेरी से। दोस्तों, आपको ये खबर किसी टीवी अखबार में नहीं दिखी होगी, वहां के स्थानीय चैनल ने इस खबर को कवर किया है। ये खबर बताती है कि पुडुचेरी में, जहां दो तीन दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद थी एक कार्यक्रम में, वहां उन्होंने जो फेस किया है वो उनके लिए वाकई में एक बहुत असहज करने वाला लम्हा था, क्योंकि निर्मला सीतारमण वहां पर मौजूद थी लेकिन भीड़ वहां पर मौजूद नहीं थी। देश की वित्त मंत्री को सुनने के लिए वहां पर लोग मौजूद नहीं थे। बकायदा इस टीवी चैनल ने खाली कुर्सियां दिखाई हैं और उसके बाद इस टीवी चैनल की एंकर ने बताया है हालत ये हो गई थी कि जो इक्का दुक्का लोग बैठे हुए थे उन्हें रोकने के लिए बाउंसर्स बिठाने पड़ गए थे। हालांकि वित्त मंत्री के दफ्तर के ट्विटर हैंडल से इसी प्रोग्राम की ये तस्वीर भी शेयर की गई जिसमें काफी भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन सच ये है कि ये तस्वीर आगे की है। इस न्यूज चैनल ने दावा किया था कि प्रोग्राम शुरू होने के कुछ देर बाद लोगों की भीड़ छटने लगी और लोग कुछ इस तरह से वहां से जाने लगे। तो सवाल ये कि देश की वित्त मंत्री को आखिर लोग सुनने को तैयार क्यों नहीं है? ये हैरान करने वाला मामला सिर्फ वित्त मंत्री के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है दोस्तों, ये देश की मौजूदा सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। प्रधानमंत्री मोदी जहां जाते हैं वहां भीड़ होती है। बताया जाता है कि उनको देखने के लिए बारिश में भी लोग खड़े होते हैं, उनकी बस एक झलक पाने के लिए लोगों में इतनी दीवानगी है। तो अगर उनकी सरकार इतनी बेहतरीन चल रही है जैसा कि उनके मंत्री दावा करते हैं, तो फिर जमीन पर वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? दोस्तों, ये जो खाली कुर्सी आए ना, देश की मौजूदा सरकार से भी सवाल पूछती है कि भले ही सरकार में कोई महंगाई का मां अब ना बोले, लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि चाहे पौंडीचेरी में रहने वाला लोग आदमी हो, चाहे वो दिल्ली में रहने वाला आदमी हो, टमाटर तो हर किसी को 100 के पार मिल रहा है। जबरदस्त तरीके से जो फल और सब्जियां हैं उनमें महंगाई की आग लगी हुई है। इसके अलावा जो गृहस्थी के, घर परिवार के दूसरे खर्चे हैं, ऐसा तो है नहीं कि फल सब्जियां महंगी हो गई तो दूसरे खर्चों में कमी आ गई है। खर्चे वो भी बराबर हैं, आमदनी उतनी ही है। तो सवाल ये कि आखिर ये जो महंगाई का जिन्न है, भले ही मौजूदा सरकार उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन क्या वो लोगों के गुस्से का सामना उसे उसके लिए करना पड़ रहा है इस तरह से कि देश की वित्त मंत्री, सोचिए, देश की वित्त मंत्री की पब्लिक रैली में बाउंसर्स को लोगों को रोकना पड़ रहा है और खाली कुर्सियों को देश की वित्त मंत्री को संबोधित करना पड़ रहा है। दोस्तों, ये जो खाली कुर्सियां हैं ना, ये केवल वित्त मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी चिंता का सबब है, क्योंकि चुनाव 2024 के अभी ज्यादा दूर बचे नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों मुझे सपोर्ट करें। और आप इन तीन तरीकों से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, इसके अलावा हर वीडियो में दिए गए थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें और ज्वाइन के बटन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।